हमारे मतलब ठीक होता है कुर्सी की, सब क्यों लड़ते हैं? हमारे मुल्क में हुकूमत नहीं आई अभी, हम इंतजार कायम तो हुए ना हैं इस्लाम के नाम पे, कायम तो हुए ना इस्लाम के नाम पे कायम हुए ना, फिर अभी वो वक्त नहीं आया, वो वक्त आया आपको बताएंगे। फिलहाल तो अभी इंतजार कर रहे हैं हम उस वक्त के आने का, पता नहीं कितने अर्से इंतजार करना पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जब अल्लाह ताला चाहेगा जो चाहेगा होता रहेगा। देखो आपको इस्लाम की क्या फिक्र है, उस वक्त तीन थे इस ड्रामे के किरदार, ड्रामा लगा नहीं कहना चाहिए। एक तो आप लोग जो मुल्क छोड़ के आए हिंदुस्तान, यहाँ आए पाकिस्तान बनाने वाले, आप माइग्रेट करके आ गए, और एक उस जमाने के जो लीडर साहबान थे उन्होंने पाकिस्तान का मतलब कहा था ला इलाहा जो भी नारा दिया। इसके अंदर एक और भी शामिल हाल है, एक अल्लाह भी थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त के ज़माने में कुछ आपकी तावन प्ले किया, मदद की। अब हम उस ज़माने में आ गए हैं कि या अल्लाह हम अपना काम कर चुके, हमसे नहीं हुआ, अब तेरा नाम भी इसमें शामिल है तो तेरा इस्लाम भी इसमें शामिल है। हम इस काबिल नहीं है कि हम इसको आगे चलाएं, अगर तुझे मौका है बचाने का इस्लाम को और मुसलमानों को तो तू मेहरबानी फरमा, हमसे ना अपना आप बचाया जा सकता है तो ना तेरा इस्लाम बचाया जा सकता है। हमारी तरफ से तो हैंड्स अप हो गए, काफ़ी है, हमने जो कुछ करना है वो गलत ही करना है। पहले हम मनफियत को छोड़ नहीं सकते, वो इस्लाम के नाम पर हो कम्युनिज्म के नाम पर हो, हम मनफियत खोर लोग हैं, मनफियत तलब लोग हैं, इसलिए हमसे कुछ नहीं होता। हम नफा की तलाश में फिर रहे हैं। हम मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इस आयत की बात यह है कि अब जाओ अल्लाह मियाँ के पास, अल्लाह आपसे पूछेगा कि जन्नत में भेजूँ कि दोजख में भेजूँ, तो आप यही कहोगे भाई जहाँ फ़ायदा हो पैसे कमाई भेज दे दूँ, मेहरबानी कर जिससे दो पैसे ज़्यादा मिले ना भेज दूँ। आप ये कौम हो या जहाँ कोई आप ग्रेड हो जाए, कोई ग्रेड ज़्यादा हो वहीं आप भेज दो, तो हम मतलब बिल्कुल साफ कौम है अल्लाह के नाम की, इसलिए हम मनफियत की तलबगार हैं। तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, ये दीन बचना है तो आप लोगों को बचा दिया जाएगा। अब ये आपसे ये नहीं कि मतलब आपको बहुत बड़ा कोई मुसलमान कर देना, एक अखूबत पैदा हो जाए, आप एक अच्छी सी जिंदगी बसर करो, आपकी इज्जत और आपका माल महफूज रहे, आपकी आप भी महफूज रहे, जिंदगी भी महफूज रहे, मौत भी आसान रहे, अच्छी जिंदगी हो जाए। एक दफ़ा आपने आना है, ये याद रहो कि एक दफ़ा आना था इस मुल्क में, इस जिंदगी में दोबारा नहीं आना, वो करोड़ हर साल के बाद भी नहीं आना। अंदाजा लगाओ यहाँ पर झगड़ा किस बात, आज ही ज्यादा जिंदगी वैसे गुजर गई, थोड़ी सी रह गई, वो क्या मतलब है आप झगड़े छगड़े परेशानियाँ, चार दिन का मेला है, जब पता चल जाए कि मेला ख़त्म होने वाला है तो फिर उसमें आराम से करो। आप ये याद रखा करो कि मेला ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने से पहले इसमें अच्छाई पैदा कर, आप खुद देख लो कि ये नहीं रहेगा सदा, तू रहता है शहर भरा रहता है और शहर के बंदे बदल जाते सारे बिल्कुल और के और बंदे हो जाते। इसलिए आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ देखो, एक दूसरे को जीने दो और एक दूसरे का हक महफूज रखो, अल्लाह ताला फिर आपको सलामती देगा, दीन भी बच जाएगा आप भी बच जाओगे, वरना खतरा वजूद है। आप खुद देख रहे हो, एक तरफ खतरा है दुश्मन है तो दूसरी तरफ कौन सा दोस्त बैठे हुए हैं उधर भी खतरा है, तो तीसरा जो मावन है वो भी कौन सा मावन है वो भी खतरा ही है, जो आपके मददगार है वो भी खतरा है। कहते हैं दुश्मन कब ताकतवर होता है, जब दोस्त कमजोर हो जाए, आप वहां खड़े हैं, जब घर कमजोर हो जाए तो दुश्मन खुद ब खुद ताकतवर हो गया। आप कायद ही पैदा की आपने, बेशुमार क्यादतें पैदा होती जा रही हैं, क्यादतें पैदा होती जा रही हैं, भाई ये घर कमजोर हो गया, कमजोर हो गया दुश्मन खुद ब खुद ताकतवर हो गया। दुआ करो कि घर ताकतवर हो, दुआ करो कि सारे किसी एक काम में इकट्ठे हो जाए, अल्लाह ताला मतलब इनमें चूर पैदा कर दे, हमें से कोई गलत नहीं, कोई नेशनल सिंह गवर्नमेंट बना दो, आप अल्लाह करो खैर करो, झगड़ा करो, झगड़े से बचो, इस्लाम वाजबी वाजबी नाफज कर दो, बाकी अपने जाती तौर पर इबादत में रहें लोग, तो आराम से रहने दें, नौजवानों को भी नहीं जैसे बेचारी परेशान है, ऊपर से माँ बाप रोप डालते रहें, मैं मना करूँगा वालदैन को खात लिखो।